रीवा में देर रात अनियंत्रित ताला दो घरों में जा घुसा, दोनों मकानों को किया क्षतिग्रस्त, कई वाहन आए चपेट में। बिछिया मोहल्ले की यह घटना, शराब के नशे में धुत था चालक, स्थानीय लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। बता दें कि रीवा शहर की घनी आबादी कहे जाने वाले गोविंदगढ़ मार्ग पर बिछिया मोहल्ले में बीती रात्रि तकरीबन 12 बजे उस वक्त एक बड़ा सड़क हादसा टल गया जब शराब के नशे में धुत एक ट्राला चालक ने तेज गति से वाहन चलाते हुए एक घर में जा घुसा। हालांकि इस दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, पर सड़क किनारे खड़ी चार दोपहिया वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं ट्रक के अचानक घर में घुसते ही घर के अंदर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ भी मौके पर एकत्रित हो गई। इस बीच पुलिस को मिली सूचना के बाद मौके पर पहुंची बिछिया थाना पुलिस ने शराब के नशे में धुत ट्रक चालक को पकड़ लिया है, जिसे थाने ले जाया गया। घटना के संबंध में बताया गया कि गोविंदगढ़ से रीवा की ओर तेज गति से आ रही अनियंत्रित ट्राला अचानक सड़क किनारे बने एक मकान के छज्जे को तोड़ते हुए दूसरे कच्चे मकान में जा घुसा था और घर के बाहरी हिस्से को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान सड़क किनारे खड़ी कई दो पहिया वाहन एक एक कर क्षतिग्रस्त हो गए। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले को शांत करते हुए ट्रक चालक को पुलिस अभिरक्षा में लेकर थाने ले जाया गया। बताया गया कि जिस मकान को ट्राला चालक ने क्षतिग्रस्त किया है वह सपीक नामक किसी व्यक्ति का है। जी, रात्रि में करीब 11:30 बजे के करीब है, एक खाली हाईवा रीवा से सिलपरा रोड की तरफ जाते समय एक घर है नाली से टकरा के फिर एक घर की छत से टकरा गया है। उसमें कार्रवाई हो रही है ड्राइवर के विरुद्ध और ट्रक थाने में खड़ा है। नहीं, इसमें कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई है। चपेट में आया? नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।